आगरा जिले की जिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का कलेक्टर ने किया शुभारंभ, जहां कलेक्टर अवधेश शर्मा ने सीएमएचओ सिविल सर्जन व इंचार्ज डॉक्टर राहुल सेठिया के साथ नवजात शिशु वार्ड का निरीक्षण किया। साथ ही पत्रकारों को नवजात शिशु के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। वही चिकित्सा की सेवाएं सबसे उत्कृष्ट मापदंड की कैसे की जाए, उसके लिए एचआर ने सीएमएचओ व सिविल सर्जन को दिशा निर्देश दिए। वही फास्ट समाचार के संपादक डॉक्टर कलेक्टर अवधेश शर्मा को बताया गया है कि डिलीवरी वार्ड इंचार्ज डॉक्टर रोहित चौधरी द्वारा एक साधारण डिलीवरी को सीरियस बताकर उज्जैन रेफर किया गया था, जिसकी डिलीवरी आगर से 55 किलोमीटर दूर हाईवे पर ही हो गई थी। जिस पर कलेक्टर अवधेश शर्मा ने कहा, मैंने इस विषय पर सीएमएचओ की एक बैठक रखी है, जैसे ही तथ्य सामने आते हैं आपको अवगत कराया जाएगा। के अंदर राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंदर जो नवजात हैं उनके अधिकार के बारे में बताया जाता है। उनके ये जो हमारे जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन होता है, जैसे नवजात बच्चों के सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर एंड बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न, इसको जो प्रतिपादित किया गया है, इसको इंश्योर करने के लिए पूरा वीक मनाया जाएगा। उस वीक के तहत आज इस एजेंसी कक्ष का, न्यू बॉर्न बेबीज का, उनके संबंध में आज निरीक्षण पूरे सभी डॉक्टरों के साथ किया जा रहा है यहाँ पे, और सभी को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि चिकित्सा की सेवाएं सबसे उत्कृष्टतम मापदंड की कैसे की जाएँ, उसके संबंध में जो एचआर मैनेजमेंट हो सकता है उसको प्रयास किए जाएँ। साधन संसाधन शासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनको मद्देनज़र जो व्यवस्था यहाँ की जानी चाहिए उनके संबंध में CHMO, सिविल सर्जन आदि को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। न्यूबॉर्न वीक है, जिसके अंदर राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंदर जो नवजात हैं उनके अधिकार के बारे में बताया जाता है। उनके ये जो हमारे जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन होता है, जैसे नवजात बच्चों के सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर एंड बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न, इसको जो प्रतिपादित किया गया है इसको इंश्योर करने के लिए पूरा वीक मनाया जाएगा। इस संबंध में CHMO जो कि तकनीकी डॉक्टर हैं, वो सभी जो कागज़ होते हैं चिकित्सा के संबंध में उसके बारे में गहनता से देखेंगे, और उस संबंध में आज मैंने सभी डॉक्टर्स की बैठक भी रखी है। तथ्य जैसे ही निकल के आएंगे आप सभी को अवगत कराएंगे। सर, ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हो चुके हैं जिला चिकित्सालय में। इस संबंध में अभी CHMO साहब और सिविल सर्जन से पूछताछ की जाएगी और दिशा निर्देश दिए जाएंगे।